बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ रिसोर्सेज। ये हमने जियोग्राफी से लिया है, क्लास 8। रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं? एनी थिंग विच फुलफिल आवर नीड इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। वो चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। और वी कैन से एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिसफाई नीड इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। वो चीज़ें जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं इनको हम रिसोर्स कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल द वाटर वी ड्रिंक। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, ये भी एक रिसोर्स है। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ इन आवर हाउसेज। बिजली इस्तेमाल करते हैं हम अपने घरों में, ये भी एक रिसोर्स है। द टेक्स्ट बुक्स वी यूज़ टू स्टडी। हम बुक्स पढ़ते हैं। दे ऑल आर रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। All resources have some values. Some resources have economic values and some resources have not economic values. Time and technology are those factors which change substances into resources. Time and technology दो ऐसे factors हैं जो substances को change करती हैं resources में. People themselves are the most important resources. ये जो लोग हैं ये खुद भी एक important resource हैं. कैसे? उनकी आइडियाज़, उनकी इन्वेंशंस, उनके उनकी नॉलेज एट्सेट्रा। ये हो गए रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की किस्में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और वी कैन से मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमंस, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स हम किसे कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें कुदरत से मिलते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिलते हैं, और हम इनको यूज़ करते हैं बिना किसी तब्दीली के। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, सॉयल, मिनरल्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम नेचर। ये अल्लाह ने हमें तोहफे में दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर हम इसको यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज की दो किस्में हैं, एबायोटिक रिसोर्स एंड बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल रिसोर्सेज के आर कैटेगराइज्ड इनटू रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं? दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड क्विकली। वो रिसोर्स जो जल्दी रिन्यू होते हैं इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जिनकी स्टॉक हमारे पास लिमिट में नहीं होती है इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो रिन्यू होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर रिन्यूइंग। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी स्टॉक हमारे पास लिमिट में होती है और इनको हज़ारों साल लगते हैं फिर से रिन्यू होने में, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, कोल एट्सेट्रा। ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज।